तो अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्क्रू गेज के विषय में। तो देखिए, ये स्क्रू गेज है, इसमें इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल, और ये जॉ है और ये ऑब्जेक्ट है, और इसको रोटेट किया जाता है। जब आप इसको रोटेट करते हो तो ये जो स्केल है, ये जो सर्कुलर स्केल है, वो आगे भागता है। जब ऐसे रोटेट करोगे तो ये सर्कुलर स्केल ऐसे ऐसे जाएगा, मूव भी ऐसे करेगा और ऐसे भागेगा। मेन स्केल इसमें रेस्ट में रहता है। रिपीट कर रहा हूँ, जब मेजर प्रॉपर्टीज, ये जो मेन स्केल है, दिस इज इन रेस्ट। मेन स्केल हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। मेन स्केल हमेशा रेस्ट में रहेगा। बस मेजरमेंट कैसा होगा कि जब आप इसको घुमाते हो, जब आप इसको ऐसे घुमाओगे, इसको ऐसे घुमाओगे, तो मेन स्केल रेस्ट में होगा, ये वाला स्केल इधर जाएगा और ये जॉ भी इधर जाएगा। ओके, जब इसको उल्टा घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, तो सर्कुलर स्केल पीछे को आएगा, घूमता भी रहेगा और पीछे को आता रहेगा, और सर्कुलर स्केल पीछे को आएगा तो ये वाला भी जॉ पीछे को जाएगा। तो रिपीट कर दूँ, जब इसको आप ऐसे घुमाओगे, इस तरीके से जब घुमाओगे, तो ये जो सर्कुलर स्केल है, जब आप इसको ऐसे घुमाओगे, जब इसको ऐसे घुमाओगे ऐसे, तो ये नट है ना, नट टाइप से है, तो जब ऐसे घुमाओगे तो ये सर्कुलर स्केल इस पर आगे कर भागेगा, तो ये जॉ भी इधर जाएगा। लेकिन मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज बड़ा है, उसको इसमें फिट करना है, तो इसको कैसे घुमाना पड़ेगा? इसको आपको उल्टा ऐसे खोलोगे, जब इसको ऐसे खोलोगे तो ये वाला जो सर्कुलर स्केल है वो घूमेगा भी, और साथ में इधर पीछे को हटेगा। जब पीछे को हटेगा तो मेन स्केल, ये मेन स्केल जो कि फिक्स होता है, फिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेन स्केल फिक्स होता है, फिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेन स्केल फिक्स रहेगा, तो जब इसको आप ऐसे घुमाओगे ना, इस तरीके से जब घुमाओगे, तो ये जो सर्कुलर स्केल पीछे को हटेगा, तो मेन स्केल प्रीडिंग क्या होगी? विजिबल होगी। और साथ में जब इस सर्कुलर स्केल हटेगा तो जो जॉ है वो भी पीछे को हटेगा, तो बीच में जगह खाली पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट को इसमें आप लगा सकते हो। ओके, अब बात करेंगे हम लोग इसमें रीडिंग के विषय में। तो सर्कुलर स्केल में कुछ चीज़ें डिफाइन की जाती है, जैसे पिच। पिच क्या होता है सर्कुलर स्केल का? तो पिच को डिफाइन किया गया है कि इस सर्कुलर स्केल को एक राउंड लगाने में, इसको एक राउंड लगाने में ये जॉ कितना सेंटीमीटर आगे को खिसक गया, उसको बोलते हैं, मतलब मेन स्केल पे कितना दूरी आगे को भाग गया। इसको एक चक्कर घुमाने में, इसको रिपीट कर रहा हूँ, सर्कुलर स्केल को एक राउंड घुमाने में मेन स्केल पे कितनी रीडिंग एक्स्ट्रा विजिबल हो गई, या यूँ कहूँ तो ये जॉ कितना दूरी तय कर गया। इट इज़ नोन एज पीच ऑफ सर्कुलर स्केल, पीच ऑफ सर्कुलर स्केल। ओके, अब ये जो सर्कुलर स्केल है, ये जो सर्कुलर स्केल है उसी को यहाँ पे बनाया गया है। ये जो सर्कुलर स्केल है ना, इस पर देखिए जीरो मार्क है, फिर 10, फिर 20, फिर उल्टा डायरेक्शन में नंबरिंग करते करते यहाँ तक 80 आया, फिर 90, और 90 के बाद देखिए 90 के बाद 91, 92, 93, 98 तक चलेगा, उसके बाद क्या 99 तक चलेगा, फिर जीरो आ जाएगा। ओके, तो 90 के जस्ट बगल में 99 मार्क होता है, और बाद में जीरो आ जाता है जो कि 100 बन जाता है। तो कुछ स्केल में 100 मार्क होता है, कुछ स्केल में 50 मार्क होता है, ठीक है। तो हर सर्कुलर स्केल में अलग अलग मार्क हो सकता है या सेम भी हो सकता है। तो रिपीट कर रहा हूँ, पीच किसको डिफाइन किया गया? पीच को डिफाइन किया गया कि सर्कुलर स्केल को एक चक्कर लगाने पे, वन राउंड लगाने पे, जो जॉ है वो कितना सेंटीमीटर आगे खिसक जाए, या मेन स्केल पे कितना एक्स्ट्रा लेंथ दिख जाए, उसको क्या बोलते हैं? पीच ऑफ स्क्रू गेज, पीच ऑफ स्क्रू गेज। इन जनरल क्या होता है, मैं इसमें आपको बता दूं, इन जनरल क्या होता है इस तरीके से। अगर ये मेन स्केल है जहाँ पे मार्क जीरो है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर। तो जब आप सर्कुलर स्केल को एक राउंड घुमाते हो, मेन स्केल जब सर्कुलर स्केल को एक राउंड घुमाते हो, तो सर्कुलर स्केल इसमें यहीं से यहीं तक मूव कर पाता है, तो कम एक ही लेंथ, इन जनरल की बात कर रहा हूँ, एक ही लेंथ मेजर करता है। तो पीच क्या हो गया? तो पीच कहलाएगा 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। अगर वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया तो पीच क्या कहलाएगा? 2 mm या 0.2 सेंटीमीटर। ओके, तो रिपीट कर रहा हूँ, पीच क्या होता है? सर्कुलर स्केल को एक राउंड घुमाने में मेन स्केल पे कितनी रीडिंग विजिबल हो जाए, या यूं कहें तो जा कितना सेंटीमीटर आगे निकल जाए, उसको बोलते हैं पीच ऑफ स्क्रू गेज। अब डिफाइन करते हैं लीस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का डिफाइन किया गया पीच
डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ओके, अब यही लीस्ट काउंट क्यों है मैं बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि ये जो, अगर आप इसको सही से देखिए, इसको अगर आप सही से ऑब्जर्व करिए दोबारा, इसको सही से ऑब्जर्व करिए, तो जब इसको आप एक राउंड घुमा रहे हो, जब इसको आप एक राउंड घुमा रहे हो तो ये इस पर वन एम एम आगे जा रहा है, तो इस पर जो मार्क बना हुआ ना, ये जो मार्क बना हुआ है, आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर इसको आप मिनिमम घुमाने की कोशिश करें तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ये वाला मैच कर रहा है तो इसका बगल वाले को मैच करवा सकते हो। तो इतना सेंटीमीटर, मतलब इतने के करस्पॉन्डिंग आप चाहो तो दूरी पता कर सकते हो, क्योंकि इतने करस्पॉन्डिंग जो दूरी ये मेन स्केल पर कवर करेगा वो एक्चुअल में कितना होगा, एक एम एम चल रहा है, जब इस पर मान लीजिए 100 मार्क है, सपोज करिए 100 मार्क है, तब तो इस एक के करस्पॉन्डिंग इस पर कितना आगे बढ़ेगा, 1/100, यही लिस्ट काउंट होगा, क्योंकि आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आप मिनिमम कितना इस सर्कुलर स्केल को डिवाइड कर सकते हैं, एक ही खाने के बराबर कर सकते हैं, एक ही पार्ट के बराबर कर सकते हैं, तो वही तो एक पार्ट लिस्ट काउंट कहलाएगा। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच मतलब एक एम एम डिवाइड बाई नंबर ऑफ मार्क ऑन सर्कुलर स्केल, क्योंकि एक पूरा एक चक्र में जो दूरी तय कर रहा हो पिच कहलाएगा, और उस पिच को इस पर कितने पार्ट हैं उनसे डिवाइड कर सकते हो, वही तो मिनिमम दूरी इस हॉरिजॉन्टल से आप मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग पिच को डिफाइन कर, लिस्ट काउंट को डिफाइन करते हैं, लिस्ट काउंट इज डिफाइंड एज पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि स्क्रू गेज के सहायता से हम लोग रीडिंग कैसे लें। तो इन जनरल स्क्रू गेज के सहायता से जो रीडिंग ली जाती है उसको इस तरीके से लिखते हैं, रीडिंग इज इक्वल टू MSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ये होती है रीडिंग। अब बात करते हैं मेन स्केल रीडिंग कैसे पढ़ते हैं और सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। ओके, अब मेन स्केल रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, तो मेन स्केल रीडिंग होती है जैसे कि सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का जो ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, इस लाइन के आगे देखते हैं कि मेन स्केल पे कौन सा रीडिंग दिख रहा है इस वर्टिकल लाइन के आगे। देखिए ये 5 है, ये 6, ये 7, और ये 5 mm, देखिए mm लिखा है ना, तो 5 mm, ये 6 mm, ये 7 mm, इसका मतलब इस वर्टिकल लाइन के आगे कौन सी रीडिंग है, 7 mm की है, इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, 7 mm कहलाएगी। दूसरा, अब सर्कुलर रीडिंग जाननी है, तो मेन स्केल के जानने के लिए आपने इस वर्टिकल की इधर देखा, और सर्कुलर को जानने के लिए इस हॉरिजॉन्टल से देखना पड़ेगा कि इस हॉरिजॉन्टल से इस सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग मैच कर रही है, वो कहलाएगी सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, चलिए पढ़ते हैं मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग के लिए आपने क्या किया, वर्टिकल लाइन के आगे ये 5, ये 6, ये 7, तो आंसर इज 7। तो 7 इज द मेन स्केल रीडिंग, एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग पढ़ते हैं। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होगी वो देखिए क्या होगी, ये है 5, दिस वन इज द 5, तो ये 5 है, दिस वन इज 5, 5 नहीं है, ये 40 है, तो ये 45 होगा, तभी तो 50 है, तो ये 45, ये 46, 47, दिस इज 47, 47, तो कायदे देखिए 47 वाला जो है वो इस हॉरिजॉन्टल से कॉन्साइड कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से जो कॉन्साइड कर रहा होता है वो होता है सर्कुलर स्केल की रीडिंग। ओके, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 47। इसी को आप थोड़ा जूम करके देखेंगे, जूम करके हमने इसको यहाँ बनाया है, यहाँ देखिए अब सही से दिखाई देगा आपको, यहाँ जूम करके हमने दिखाया है, देखिए ये वर्टिकल है, वर्टिकल के आगे 5, 6, 7, तो मेन स्केल रीडिंग इज 7 mm, और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगी, 47 कैसे, ये 40, ये 45, ये 46, 47, तो 47 है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग 47 होगी। तो व्हाट विल बी रीडिंग, रीडिंग इज, मैंने कहा था ना मेन स्केल रीडिंग 7 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 47 इनटू लिस्ट काउंट, इसमें लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई होगा, देखिए 1/100, तो रीडिंग क्या हो जाएगी, तो रीडिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका, ये क्या बनेगा, 7 mm MSR, MSR 7 mm प्लस 47 CSR मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट कितना था, 0.01 था, तो ये कितने जाएगा, 7.47 mm, एंड दिस इज आंसर, रीडिंग इज 4.47।
अच्छा लिस्ट काउंट मैंने 0.1 क्यों बोला, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन है अलग से, इस क्वेश्चन में अलग से मेंशन है कि सर्कल स्केल पे 100 डिवीजन बना हुआ है, ये क्वेश्चन में अलग से दिया गया है। मान लीजिए ये 50 है ना, तो 100 वाला ना उस साइड में होगा, पीछे होगा, तो सर्कल स्केल पे 100 डिवीजन है ये मान के चल रहा है। और मेन स्केल की एक पार्ट की लंबाई क्या है, 1 mm है, 1 mm है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चक्कर लगाने पे एक कितना आगे भागेगा, 1 mm, तो पीच क्या हो गया, 1 mm। और चूंकि इस पे 100 मार्क है ये दिया गया होगा, अभी इसमें दिख नहीं रहा है बट वो दिया गया है, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 mm/100, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है लिस्ट काउंट 1/100, 47 mm² मेन स्केल की रीडिंग, एंड दिस इज देन आंसर। थिकनेस इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल इंटू लिस्ट काउंट। अब इस तरीके से हमने आंसर क्या पता किया, 7.47 mm। चलिए अब इसकी रीडिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इस स्केल की रीडिंग कितनी। क्वेश्चन में दिया गया रीडिंग ऑफ नॉर्मल स्क्रू गेज इज नॉर्मल स्क्रू गेज मेन स्केल हैज ओनली mm मार्क, सिर्फ mm मार्क है, देखिए इस पर सिर्फ mm के मार्क है। इन कंप्लीट रोटेशन द स्क्रू गेज मूव बाई 1 mm, द सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन्स, वट इज द रीडिंग, इसकी रीडिंग पता करना। रीडिंग पता करना है तो सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, लिस्ट काउंट, देन व्हाट विल बी लिस्ट काउंट, द लिस्ट काउंट इज इक्वल टू इन वन कंप्लीट रोटेशन स्क्रू गेज मूव बाई 1 mm, तो पीच क्या हो गया, 1 mm एंड डिवाइड बाई 1 mm डिवाइड बाई कितने मार्क बने, 100, सर्कुलर स्केल पे 100 है, 100, तो वैल्यू क्या आ गई, 0.01 mm, एंड दिस इज लिस्ट काउंट। अब कोई पीछे की रीडिंग बताइए, तो रीडिंग कितनी होगी, रीडिंग पढ़ना, तो रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल का कौन सा पार्ट कौन साइड कर रहा है, इनटू लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल में देखो ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के आगे ये 10 है तो ये 11 होगा ना, इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग क्या है, 11 mm है, प्लस कौन सा पार्ट कौन साइड कर रहा है, सही से देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट। तो देखिए ये 60, 61, 62, 63, 64, 65, तो 65 वाला कौन साइड कर रहा है, क्या करेंगे, 65 सर्कुल स्केल रीडिंग हो गई एंड मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट क्या, 0.01, देन व्हाट इज आंसर, 11.65 mm, एंड दिस इज आंसर। इस तरीके से हमें रीडिंग कैलकुलेट कर ली। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें कह रहा है कि ये स्केल है इसकी रीडिंग पढ़नी है, कह रहा है कि मेन स्केल है 1/2 mm मार्क, ये 1/2 mm मार्क है, कैसे है देखिए, ये 0 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा 1 mm, ये क्या होगा 2 mm, ये 3 mm, लेकिन 1 और 2 के बीच में नीचे एक वर्टिकल लाइन है और ये दोनों के हाफ में है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1 mm है तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, 1/2 mm होगी, 1/2 mm, वही लिखा है 1/2 mm, तो मेन स्केल रीडिंग हुई 1/2 mm। इन वन कंप्लीट रोटेशन स्क्रू गेज एडवांस हुई 1/2 mm, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 डिवीजन्स, तो सबसे पहला काम क्या होगा, लिस्ट काउंट निकालना, तो लिस्ट काउंट निकालते हैं, तो लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी होगी, एक कंप्लीट रोटेशन कितना जा रहा है 1/2 mm एंड डिवाइड बाई कितने मार्क हैं, 50, डिवाइड कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई, 0.01 mm, मन गया लिस्ट काउंट। अब हमको क्या करना है, रीडिंग लिखेंगे, रीडिंग क्या होगी, MSR प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR, तो मेन इसकी रीडिंग जाननी है आपको, MSR के लिए वर्टिकल लाइन पे देखना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन के आगे कौन सा है, बड़ा करिए इस वर्टिकल लाइन के आगे ये लिख दिख रहा है और ये 5 है, ये 6 होगा और ये जो 2 है इन 2 के बीच में है ना, तो एक गैप किसका 0.5 का है, तो अगर ये 5 है और ये 6 है तो ये क्या होगा 0.5 और आगे तो 6.5, तो मेन स्केल की रीडिंग होगी 6.5 प्लस लिस्ट काउंट कितना है 0.01 है, और ये पता करना कौन सा मार्क होगा, तो ये 40 है, 41, 42 एंड 43, तो 43 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन व्हाट विल बी वैल्यू, दिस इज 6.5 mm है ना, और ये जोड़ दीजिए ये बनेगा 6.93 mm, एंड दिस इज आंसर। उसी तरीके से ये दो क्वेश्चन और इनकी रीडिंग पढ़ते हैं, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसके आगे देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन का ही है, ये जो वर्टिकल लाइन है उसके आगे 5 है, ये 6 है, 6.5, तो मेन इसके लिए 6.5 प्लस ये 10 है, 11, 12, 13, 14 मैच कर रहा है क्योंकि बड़ी लाइन 15 का होगा तो बगल वाला 14, तो 14 इंटू लिस्ट काउंट सॉल्व कर देंगे आ जाएगा 6.64। यहाँ देखिए ये क्या दिया गया, 1, 2, 3, 4, ये 4 है और इसके इधर वाला क्या होगा 0.5, तो 4.5 प्लस कौन सा मैच कर रहा है, देखिए ये 5 है और ये 40 है तो बगल वाला है तो 39 होगा ना, तो 39 इंटू लिस्ट काउंट आ गया ना 4.89, तो इस तरीके से हम लोग रीडिंग पढ़ेंगे।
चलिए कुछ रीडिंग और पढ़ते हैं, जैसे कि ये है, इसको पढ़नी है तो इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए। इसमें देखिए पहले वाला ही क्वेश्चन का, ये 5 है तो ये 6 होगा, ये 0.5 तो 6.5 एन प्लस, ये देखिए ये 10 है, ये 11, 12, 13, 14, ये 14 है ना, तो 14 लिखा गया इनटू लिस्ट काउंट, ओके। तो आंसर कितना आ गया, 6.64 है। वैसे ये क्वेश्चन और करते हैं, ये वर्टिकल लाइन है, ये 1, 2, 3, 4 है, 4.5 इनटू ये 40 है ना, तो एक कम होगा तो 39 हो जाएगा, तो 39 इनटू लिस्ट काउंट सॉल्व करेंगे, आंसर देगा 4.89 है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीरो एरर। तो जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर होता है कि मान लीजिए इस स्क्रू गेज का बार बार यूज़ करने की वजह से ये कुछ घिस गया या कुछ जंक लग गया। इसका मतलब जब इसको घुमा के जब इस जगह को इस जगह से मिलाएंगे तो फिर इस मेन स्केल के साथ इसका जीरो कॉन्साइट नहीं होगा। तो जब मेन स्केल के साथ जीरो कॉन्साइट नहीं होगा, इसका मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं, अब पहले से ही ये क्या पढ़ रहा है, पहले से ही ये रीडिंग पढ़ रहा है। अगर पहले से ही रीडिंग पढ़ रहा है, इसका मतलब कि इसमें एरर है, और जो एरर है वो एक्चुअल में बाद में घटाना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। नहीं, जैसे कि अगर इसका जीरो से कॉन्साइड करता तो मैं कहता कोई एरर नहीं है, और इसमें अपने ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं और इसकी रीडिंग आ रही है। अगर इसकी रीडिंग आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब इसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट रखने के पहले की जो रीडिंग थी उसको घटाना पड़ेगा, तब तो जाके हमारा आंसर आएगा। तो ऑब्जेक्ट को रखने के पहले दोनों जॉ के मिलाने के बाद जो भी रीडिंग है उसको बोलते हैं जीरो एरर। तो कोई पूछे कि सही रीडिंग कितनी होगी, तो ऑब्जेक्ट को रखने के बाद जो रीडिंग आएगी उसमें से जीरो एरर घटाएंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा, ओके। तो देखिए जैसे कोई पूछे कि बताइए कि इसमें कितने का जीरो एरर है, इसमें कितने का जीरो एरर है, देखिए इसमें अगर जानना है आपको कितने का जीरो एरर है तो रीडिंग पढ़ते हैं। इस स्टैंड की रीडिंग, तो इस स्टैंड की रीडिंग कितनी होगी, देखिए पता करते हैं, इसके आगे जीरो विजुअल है तो जीरो बन गया मेन स्केल की रीडिंग, प्लस कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, ये 10 है तो ये 9 होगा, ये 8 होगा, ये 7 कॉन्साइड कर रहा है, तो 7 इंटू लिस्ट काउंट कितना था, 0.01 था, तो वैल्यू क्या आ गई, 0.07 mm, एंड दिस इज जीरो एरर। अब जब इसी में जब आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा तो इफ यू पुट अ वायर बिटवीन द जॉ तो रीडिंग इतनी आ गई, तब ये बन गया, और किसके क्योंकि इसको आप ओपन करोगे ना, ऐसे ऐसे ओपन करोगे तो हटेगा, तो ये बीच बल हुआ ऑब्जेक्ट को रखने के बाद। तो यहाँ की रीडिंग पता करेंगे, तो यहाँ की जो रीडिंग है ऑब्जर्व रीडिंग वो कितनी होगी, ऑब्जर्व रीडिंग, तो देखिए ऑब्जर्व रीडिंग होगी इस वर्टिकल लाइन के आगे कौन सा है, तो 0, 1, 2, 3 एम एम है, तो 3 mm प्लस लिस्ट कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, ये 10 है, ये क्या होगा 9, ये क्या होगा 8, ये क्या होगा 7, तो 7 है, तो 7 इंटू 0.01, तो बोलो क्या आ गया 3.07 mm, एंड दिस इज ऑब्जर्व रीडिंग। बट जो एक्चुअल रीडिंग होगी वो किससे आएगा, ऑब्जर्व रीडिंग में से जीरो एरर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 3.07 माइनस जीरो एरर कितना आया था, तो जीरो एरर आया था 0.07, घटा दीजिए तो आंसर जाएगा 3 mm, एंड दिस इज आवर आंसर, ओके। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कोई पूछे कि बताइए इसमें ये दोनों जॉक मिला गया और पहले से रीडिंग पढ़ रहा है तो इसमें एरर है, कोई पूछे जीरो एरर कितना है, तो जीरो एरर कितना होगा, देखो वर्टिकल लाइन के आगे कौन सा दिख रहा है, जीरो, तो मेन स्केल की रीडिंग जीरो हो गई, प्लस ये कितना है, ये जीरो है, ये 1, 2, 3 है, 3 वाला लाइन हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल 3 है, तभी तो ये 5 बनेगा, तब क्या लिखेंगे 3 इंटू लिस्ट काउंट 0.01, नाउ वैल्यू इज 0.03 mm। अब आपको ऑब्जर्व रीडिंग चाहिए, ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है, तो आपको इसके इधर बढ़ा के जब वैन आपने पुट किया इसमें ऑब्जेक्ट को तो ये आया। अब इसको पढ़ते हैं ये रीडिंग कितनी आ गई, तो जो वर्टिकल लाइन है उसके आगे कौन सा, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो ये 7 mm हो गया, प्लस अब कौन सा मैच कर रहा है, तो ये 60, तो 65, 66, 67, तो 67 मैच कर रहा है, और एरर की और लिस्ट काउंट क्या है 0.01, तो वैल्यू क्या आ गई 7.67। अब कोई पूछे कि एक्चुअल रीडिंग बताइए, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व में से जीरो घटा देंगे, 7.67 माइनस 0.03
3. The answer is 7.64 mm. ओके, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे. एक क्वेश्चन और करते हैं. जैसे इसमें देखिए, इसमें दोनों जो आपस मिलो बात कुछ रीडिंग बता रहा है और इसको पुट करने के बाद कुछ रीडिंग बता रहा है. तो पूछ रहा है कि बताइए कि एक्चुअल थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा. तो सबसे पहले आपको जीरो एरर पढ़ना पड़ेगा. लेकिन इसमें एक लाइन लिखा है, देखिए, बिटवीन द जॉ द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बियरली विजिबल. इसको सही से पढ़िए. देखिए, कह रहा है थिकनेस ऑफ द वायर द मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm एंड कंप्लीट रोटेशन द स्क्रू गेज एडवांस बाई 1 mm. इसका मतलब कि कोई पूछे लिस्ट काउंट कितना होगा, तो क्या लिखोगे? 1 mm मेन स्केल घड़ी डिवाइड बाई 1 mm बढ़ रहा है ना, और 100 डिवीजन्स है, कितना आएगा? 0.01 mm. दिस इज लिस्ट काउंट. और उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहा है कि इफ नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉ द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बियरली विजिबल एंड 93rd सर्कुलर डिवीजन इज मैच विद द मेन स्केल. तो चलिए पता करते हैं. अब हमको यहाँ पे रीडिंग पढ़नी पड़ेगी जीरो एरर. तो जीरो एरर क्या होगा? तो जो वर्टिकल है उसके आगे कोई नंबर नहीं है और जीरो जस्ट पीछे दिख रहा है. जीरो जस्ट पीछे दिख रहा है. इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सही होता तो ये जो जीरो आता है यहाँ पे ना, अगर कहते देखिए, अगर ये स्क्रू गेज सही होता तो ये जो जीरो है वो यहाँ पर दिखता. लेकिन ये सही नहीं है ना, तभी तो आपने इसको ऐसे घुमाया है. तो ऐसे आपने कितना घुमाया होगा कि जो आगे बढ़ा है. तो आगे बढ़ा है तो कितने के बराबर घुमाया होगा? तो आपने यहीं से तो यहीं तक घुमाया होगा, वही तो जो आगे बढ़ा होगा. तो इसका मतलब पता है क्या हुआ होगा? पहले से ये घिस गया होगा. नहीं समझ रहा? घिस गया होगा. तो घिस गया होगा तो इसमें जीरो एरर नेगेटिव है. अगर ये जॉ घिस गया तो जीरो एरर नेगेटिव है, क्योंकि घिस गया तभी तो जाके, जब इसको जीरो को आप आगे को बढ़ाएंगे तभी तो जाके ये जॉ इस, अगर ये इसके साथ मैच कर रहा है और जीरो यहाँ ना दिख के थोड़ा आगे दिख रहा है, इसका मतलब बीच में कुछ खाली जगह था, उसको ये भरने की कोशिश किया, वो भरने की कोशिश किया है. इसका मतलब ये पहले से घिस गया है. अगर घिसा नहीं होता तो ये दोनों जहाँ आपस में मिलते तो ये जो जीरो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ नहीं दिखता, यहाँ दिखता. इसका मतलब इतना ही तो रीडिंग एक्स्ट्रा है. और इतना ही रीडिंग जब इस ऑब्जेक्ट रखोगे तो जो रीडिंग पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट रखोगे इसको तुम ऐसे घुमाओगे. तो जब ऐसे घुमाओगे तो पीछे हटेगा तो इतना एक्स्ट्रा और आएगा ना, तो इसमें जीरो और क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा. घिस गया तो नेगेटिव और घिसा नहीं है तो पॉजिटिव. तो कुछ पहले से भर गया तो पॉजिटिव, तो बनेगा नेगेटिव. और कितने के बराबर बनेगा? देखिए कितने बराबर आएगा, तो ये कितना बनेगा? 5, 6, 7 है, क्योंकि इधर से इधर. तभी तो वो कह रहा है कि 93 वाला मैच कर रहा था. क्वेश्चन में लिखा गया था 93 मैच कर रहा था. देखिए लिखा हुआ था अभी 93 मैच कर रहा था. 93 मैच कर रहा था. तो 93 मैच कर रहा है क्योंकि ये जीरो और ये 100 वाला भी है. तो आपने इतना एक्स्ट्रा बढ़ाया ना, इतना एक्स्ट्रा. तो आप कहेंगे क्या कि 7 के बराबर लिस्ट काउंट क्या है? 0.01. तो आंसर क्या होगा? -0.07 mm आप इसको बोलेंगे जीरो एरर. अब जीरो एरर आ गया. अब हमको क्या पता करना है? रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग कितना होगी. तो अगर आपको ऑब्जर्व रीडिंग पढ़नी है तो इधर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, इधर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया. अब रीडिंग पढ़ेंगे. ठीक है, ये 5 है, 6 है, 7. तो मेन इसकी रीडिंग 7 mm हो गई. एन प्लस कौन सा मैच कर रहा है? देखिए ये 90 है तो ये 95 मैच कर रहा है. तो 95 × 0.01, तो बोलो क्या आ गया? 7.95. तो कोई पूछे कि बताइए रीडिंग कितनी होगी, तो क्या करेंगे? ऑब्जर्व में से जीरो घटा देंगे, 7.95 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.07. देन व्हाट विल बी वैल्यू? तो ये हो जाएगी कितनी? 12.08 mm. दिस इज आंसर. और जोड़ क्यों रहा हूँ? क्योंकि जाके घिसने की वजह से ये जीरो पीछे आ रहा था, तो जो ऑब्जेक्ट रखोगे ये थोड़ा ऊपर जा रहा था जीरो, तो जो ऑब्जेक्ट रखोगे तो थोड़ा सा और कंपनसेट करना पड़ेगा ना. तो इस तरीके से सर, इस जीरो एरर को आप चाहते हैं ना तो आप दूसरे तरीके से निकाल सकते थे. हालांकि उसका यूज हम लोग कम करते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए ये जीरो है ना, तो इस वर्टिकल लाइन के जस्ट आगे की लाइन में बोलते हैं -1. तो हम लोग क्या करते हैं? -1 + कौन सा पॉइंट ऐड कर रहा था? 93 × 0.01. ये भी बोलो क्या आएगी? -0.07 mm. ओके, चलिए अभी हम लोग बहुत ही बेसिक सीख रहे हैं इसको गेज का. अब बात करते हैं जीरो करेक्शंस का. तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जीरो एरर
और जीरो करेक्शन है, बस माइनस का फर्क होता है। जीरो करेक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो एरर। तो कभी क्या है कि जीरो एरर कितने का, माइनस 0.07 mm का है, तो जीरो करेक्शन कितना होगा, तो कहेंगे प्लस 0.07 होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो जो एक्चुअल रीडिंग होती है ऑब्जर्व रीडिंग में से जीरो एरर घटाते हैं, लेकिन जब जीरो करेक्शन की बात आएगी तो प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जीरो एरर में माइनस का करेक्शन के साथ रिलेशन है। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग बर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, और इसको गेज की और अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगा एक्सपर्ट में जाके मॉडल में, क्योंकि ये तो हमें बेसिक डील की थी। अब लोग हम स्टडी कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि ये जो पार्ट है, दिस इज द मेन स्केल, दिस इज द मेन स्केल, इसको बोलते हम लोग वर्नियर स्केल, क्योंकि ये इस मेन स्केल पे स्लाइड कर सकता है, मेन स्केल कभी मूव नहीं करता है, वर्नियर स्केल को स्लाइड करवाता है। और दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज फिक्स्ड जा एंड दिस इज मूवेबल जा, वही लिखा गया, देखिए इधर, दिस इज फिक्स्ड जा ऑब्जेक्ट मूवेबल जा एंड वर्नियर स्केल एंड दिस मेन स्केल इज ऑलवेज फिक्स्ड। ओके, तो चलिए अब वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट की बात करेंगे। ओके, तो इसमें दो केस की बात करेंगे, एक केस वन एक केस टू, और इसको भी याद रखना है। फिर इसके डिटेल्स को मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बेसिक कंडीशन, अगर लिखा है कि n MST बराबर n प्लस 1 BST, तो लिस्ट काउंट होगा 1 MST माइनस 1 BST। ओके, और रीडिंग होगी MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR इंटू लिस्ट काउंट। अच्छा, इस केस में क्या है कि मेन स्केल, एक मेन स्केल 1 BSD से ज़्यादा है, 1 MST 1 BSD से ज़्यादा है, तभी तो जाके n MSD बराबर n प्लस 1 BSD है, तो 1 MST 1 BSD से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन लगेगी। इसका रिवर्स, अगर लिखा गया n प्लस 1 MSD बराबर n BSD, इसका मतलब है कि 1 BSD कम है 1 MSD से, तो उल्टा लगेगा, लिस्ट काउंट क्या होगा 1 BSD माइनस 1 MSD, और जो रीडिंग होगी वो क्या होगी MSR प्लस n, मतलब कितना डिवीजन बर्नियर स्केल्स में है, माइनस VSR बर्नियर स्केल का रीडिंग जो मैच कर रहा है इनटू लिस्ट काउंट, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे इस रीडिंग को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि रीड द वर्नियर्स, इस वर्नियर की रीडिंग बताइए, द 10 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल आर मैचिंग विद द 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, 10 BSD बराबर 9 MSD, तो कौन ज़्यादा है MSD कि BSD, वो ये वाला कंडीशन में रहा है, फर्स्ट कंडीशन में n MSD बराबर n प्लस 1 BSD, n MSD मतलब 9 मेन स्केल इक्वल टू 9 प्लस 1 मतलब 10 BSD, तो हम लोग इस केस को यूज़ करेंगे। ओके, तो लिस्ट काउंट क्या होगा 1 MSD माइनस 1 BSD, तो लिखते हैं, देखिए पहले लिस्ट काउंट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे लिस्ट काउंट, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए इसमें देखिए mm का मार्क है, mm का मार्क है, और लिस्ट काउंट क्या होगा 1 MSD, तो 1 MSD किसके बराबर होगा 1 MM के बराबर होगा, माइनस 1 MM माइनस, क्योंकि mm के मार्क है मेन स्केल पे, माइनस 1 BSD, 1 BSD क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 डिवीजन बर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, इसका मतलब आप इधर चाहे तो लिख सकते हैं 10 BSD इज इक्वल टू 9 MSD, तो 9 MSD का मतलब 1 MSD 1 MM है ना, 1 MM है, तो 1 BSD क्या आएगा 9/10 mm, मतलब 0.9 mm आएगा। तो इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, लिस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 BSD, 1 BSD कितना है 0.9, प्लेस कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आ गई 0.1 mm आ गई, दिस इज लिस्ट काउंट। तो इस स्केल के हमने लिस्ट काउंट निकाली, अब इसकी रीडिंग पढ़नी है, तो इसकी रीडिंग देखते हैं। इसकी रीडिंग में देखिए खासियत, इसकी रीडिंग पढ़नी पड़ेगी, पढ़ते हैं। इसमें ये जो वर्नियर स्केल में ये जो लाइन है ना, ये वर्नियर स्केल का वर्टिकल लाइन, उसके आगे देखते हैं कि मेन स्केल की कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है। जैसे अगर इसको सही से देखिए तो ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के आगे, इस वर्टिकल लाइन के आगे ये 10 है, ये 15 होगा, क्योंकि ये 10 है ये 20 है, तो ये 15 होगा, तो 15 दिख रहा है ना इस वर्टिकल लाइन के आगे, इसका मतलब जो MSR होगा वो कितना होगा 15 होगा, प्लस MSR होगा 15 प्लस वर्नियर स्केल में कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 कोइंसाइड कर रहा है 6, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग 6 होगी इनटू लिस्ट काउंट कितना आया था 0.1 आया था 0.1, देन व्हाट विल बी रीडिंग 15.6 mm इज रीडिंग। इस तरीके से हमने रीडिंग दिया। इसमें देखिए, इसमें करेक्ट स्पेशल टाइप क्वेश्चन है,
इसमें करेक्ट देखिए, रेड द स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर्स 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचिंग विद द 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो बताइए कि इसकी रीडिंग कितनी होगी। तो 20 डिवीजन 90 से मैच कर रहा है ना, यानी अभी भी n प्लस 1 वी एस डी है, देखो n एम एस डी बराबर n प्लस 1 वी एस डी। अभी हम लोग केस 1 में ही चल रहे हैं, केस 1 में ही चल रहा है। तो केस 1 में जा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर लिस्ट काउंट लिखेंगे। तो लिस्ट काउंट क्या होगा, एक जो पार्ट है, एक पार्ट तो 1 mm के बराबर होगा क्योंकि इस पे mm के मार्क है। तो आप लिस्ट काउंट क्या लिखेंगे, 1 mm। लिस्ट काउंट आप लिखने जा रहे हैं, दोबारा लिखते हैं, लिस्ट काउंट होगा 1 mm माइनस 1 mm माइनस 1 VSD। तो 1 VSD कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मतलब 20 VSD बराबर कितना है, 19 MSD, और 1 MSD 1 mm के बराबर है तो 90 mm हो गया। तो 1 VSD किसके बराबर आएगा, 19/20। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 19/20, देन दिस वैल्यू इज 20 - 19, 1/20 mm, एंड दिस इज लेस काउंट। इसको डिवाइड कर दीजिए तो बनेगा क्या, 0.05 mm, एंड दिस इज लिस्ट काउंट। तो यही हमने कहीं लिखा भी होगा, 0. देखिए लिस्ट काउंट इज, तो लिस्ट काउंट आ गया 0.05। अब रीडिंग पढ़नी है, तो रीडिंग कितनी होगी, तो रीडिंग होगी कितनी, मेन स्केल रीडिंग, तो इस वर्टिकल के आगे कौन सी लाइन है, तो ये 10, 11, 12, 13 है ना, 13 देखिए 13, तो 13 mm प्लस इसमें कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो देखिए 1 काउंट करिए, 1 यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोइंसाइड कर रहा है। लिखेंगे 12 × 0.05, सॉल्व कर दीजिए तो वैल्यू जाएगी 13.6 mm, एंड दिस इज आंसर। अब बात करेंगे जीरो एरर का, तो इसमें भी जीरो एरर वही है कि अगर मान लीजिए इसमें पहले से ही कुछ जंक लग गया होता तो वर्नियर स्केल का जो वर्टिकल लाइन है ना थोड़ा सा इधर होगा, जब इधर होगा तो अब इस वर्नियर स्केल का ये वाला जो जीरो मार्क है, इस जीरो मार्क से कोइंसाइड नहीं हो रहा, ये जो वर्टिकल लाइन है अगर इससे कोइंसाइड नहीं हो रही है इसका मतलब इसमें पहले से ही एरर है। अब पहले से ही एरर है तो जंक है तो थोड़ा सा आगे रहेगा, तो पहले से ही कुछ रीडिंग पड़ रहा होगा, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फिर इसको और खिसकाना पड़ेगा। तो जो फाइनल हमारा एक्चुअल आंसर होगा उसमें क्या होगा कि जो आप ऑब्जर्व रीडिंग पढ़ेंगे उसमें से इन दोनों जार को टच करने पे जो रीडिंग आती है उसको घटाना पड़ेगा, तब आएगा जैसे इस लुगेज में था। तो जीरो एरर, तो इसमें जीरो एरर है, पढ़ते हैं। चलिए देखना, 9 मेन स्केल डिविजन्स विद द मैच विद द 10 वर्नियर स्केल और mm का मार्क है, तो लिस्ट काउंट तो 0.1 mm आएगा, तो जीरो एरर कितना होगा, मैच करते हैं इसमें। तो मेन स्केल रीडिंग, यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग जीरो है क्योंकि इस वर्टिकल के आगे जीरो दिख रहा है, तो जीरो है, 0 × वर्नियर में कौन कोइंसाइड कर रहा है, 1, 2, 3, 3, तो 0 + 3 × 0.1, तो जीरो हो जाएगा ना 0.3, नहीं देखिए वर्टिकल के आगे जीरो है तो 0 + वर्नियर कौन कोइंसाइड कर रहा है, थर्ड वाला, थर्ड इंटू लिस्ट काउंट 0.1, तो वैल्यू इज 0.3 mm, एंड दिस इज जीरो एरर। अब नीचे ये वैल्यूज है कैलकुलेट करना है, तो अब ऑब्जर्व रीडिंग क्या होगी, ऑब्जर्व रीडिंग ये आप क्या लिखेंगे, ये देखिए ये 10 है, 11, 12, 13 है, इस वर्टिकल के आगे 13 है, तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, 13 mm प्लस कौन साइड कौन से कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कौन साइड कर रहा है, तो 8 × लिस्ट काउंट क्या है, 0.1, तो मिल जाएगी 13.8 mm। अब कोई पूछे कि रीडिंग बताइए, एक्चुअल रीडिंग, तो ऑब्जर्व में से जीरो घटा दीजिए, तो 13.8 - 0.3, देन दिस इज आंसर इज 13.5 mm एज आंसर्स। ओके चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें कह रहे हैं 9 MSD 10 VSD, तो अभी भी हम लोग केस 1 ही पढ़ रहे हैं, 9 MSD 10 VSD के बराबर है, तो पूछ रहे हैं इसमें, तो इसमें जीरो एरर है, तो जीरो एरर कितना होगा, तो मेन स्केल रीडिंग जीरो क्योंकि इस वर्टिकल के आगे जीरो है, तो जीरो दिखेगा, तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीरो लिखेंगे, जीरो प्लस कौन साइड कौन सा कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन साइड कर रहा है, 6 × लिस्ट काउंट क्या है, 0.1 mm, तो वैल्यू इज 0.6 mm, एज जीरो एरर। अब कोई पूछे ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है, तो ऑब्जर्व रीडिंग इसमें मिलेगी, तो ये वर्टिकल के आगे इसका कौन सा मार्क है, ये 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 mm प्लस कौन साइड कौन सा कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 × 0.1, तो वैल्यू इज 14.6 mm। तो कोई पूछे रीडिंग कितनी होगी, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 14.6 - 0.6, तो वैल्यू इज 14.0 mm, एंड दिस इज आंसर। अब इस रीडिंग को पढ़ते हैं, और इसमें भी लिस्ट काउंट 0.1 mm ही है,
ठीक है। तो देखिए इसमें जो जीरो वाला मार्क ना वर्री स्केल का जीरो, वो आगे को खिसक गया है, मतलब मेन स्केल की जीरो से। देखिए ये जो मेन स्केल का जीरो है उससे आगे वर्नरी स्केल का ये वाले आगे वाला जॉ का वर्टिकल लाइन दिख रहा है, मतलब इसमें पहले से घिसा हुआ है। तो इसमें जीरो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो घिसा हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग रीडिंग पढ़नी पड़ेगी, रीडिंग जीरो बनेगा नेगेटिव। तो नेगेटिव कितना बनेगा, जीरो बनेगा नेगेटिव, देखा माइनस कौन सा ऐड कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 देखेंगे, 6 इंटू लिस्ट काउंट 0.1 तो बोलोगी -0.6 mm हो गई। अब आपको क्या पता करना, ऑब्जर्व रीडिंग पता करनी है, यहाँ की ऑब्जर्व रीडिंग। तो देखिए ये 10 है, 11 इस वर्टिकल के आगे दिख रहा है 11, तो 11 mm प्लस कौन साइड कौन कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 × 0.1 तो वैल्यू क्या आ गई, 11.8 mm आ गई। लेकिन जो ट्रू रीडिंग होगी वो किससे निकलेगी, तो आप इसमें से घटा देंगे, तो 11.8 माइनस ऑफ -0.6 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 12.4 mm एंड दिस इज आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से उसकी रीडिंग पढ़ेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट क्या है, वो ये वाला है, ठीक है। केस वन, अगर n MSD n+1 VSD बराबर है तो ये पढ़ेंगे, अभी तक हमने इसका यूज़ किया है, इन्हीं की यूज़ से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। और अगर ये कंडीशन है तो फिर ये लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये तो, ये तो सेम है, बस इसे घटा रहे हैं और यहाँ इसमें से घटा रहे हैं, लेकिन इसमें चेंज हो जा रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन ITJEE ने 2014 में पूछ चुका है, जिसका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वीडियो दिखा देंगे।